टेंशन का मैटर दिया हुआ है जिसका क्या करना है, टेंशन कोएफिशिएंट का यूज करके इस मैटर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे रहे हैं, डिटरमाइन द एक्सियल टेंशन इन द पिन जॉइंट। ओके, यहाँ पे देखो पिन जॉइंट प्रोवाइड हुआ है। ठीक, ये यहाँ पे टेंशन का लोड लगा हुआ है प्लस इसका जो पॉइंट है, ठीक है, जो टेंशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हो आप उसका पॉइंट जो है गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे पिन जॉइंट बना हुआ है तो ऑब्वियसली इसको ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हम इसको पहले रिजॉल्व करते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका हॉरिजॉन्टल मेंबर कैसे जाएगा एट पॉइंट ए पे। ओके, द ये वाला सेक्शन इस डायरेक्शन पे और ये वाला सेक्शन है इस डायरेक्शन पे, ये ऐसे है। ओके, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। इस पॉइंट पे टेन किलोमीटर का लोड लगा हुआ है। जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, बी पॉइंट की कीमत ये हमको पॉइंट बी को ओरिजिन से सेट करनी है, जीरो। सी पॉइंट पे क्या है, सी और डी पे क्या है, हमको सेम पॉइंट दिया गया है। लेकिन जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये वाला सेक्शन में माइनस में आ जाएगा, तो सी देखते सी आपका एज इट इज रहेगा टू टू जीरो। और सर डी पॉइंट पर हम कैसे कर करेंगे, तो क्या होगा टू माइनस टू और ये टू, तो ये आपका रिजॉल्व हो गया ये वाला सेक्शन, ये जो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो भी हमको क्या करना है, आपके एक्सियल टेंशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट टू लगा हुआ है प्लस यहाँ पे हिंज सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं इस डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं, टेंशन कोएफिशिएंट का मैथ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, तभी तो सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ए से बी का निकाल रहे हैं,
तो इसे हम क्या करेंगे, ए और बी कंसिडर करेंगे, ठीक है, ए और बी का इंटीग्रल करेंगे। अब सेम टाइम क्या हो गया, वाई बी माइनस वाई ए, जेड बी माइनस जेड ए। सिर्फ आपको यहाँ पे पॉइंट पर फोकस करना है कि हम कौन सा लाइन निकाल रहे हैं, ओके। अब देखो रूट ओवर पे देखो एक्स बी की वैल्यू क्या दी है, एक्स डायरेक्शन से बी की वैल्यू। अब इस टेबल से देखो एक्स डायरेक्शन की बी की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो, जीरो माइनस। अब एक्स डायरेक्शन पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, फोर, तो माइनस फोर प्लस। अब देखो वाई डायरेक्शन में बी की वैल्यू, वाई डायरेक्शन में बी की वैल्यू अगेन जीरो माइनस, ये आपका वाई डायरेक्शन पे ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब देखो जेड डायरेक्शन में बी की वैल्यू, जेड डायरेक्शन में बी की वैल्यू जीरो, जेड डायरेक्शन में ए की वैल्यू थ्री। ये देखिए हम रूट करते हैं जीरो से माइनस, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देन ए बी की वैल्यू जो आती है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आई डी हमारी 5 मीटर, ओके। ये आपका लेंथ, एक लेंथ निकलते हैं कौन से मेंबर के लिए, मेंबर ए से बी के लिए। अब सेम ऐसे ही सी और डी के लिए निकालना है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अब निकालते हैं मेंबर सी से डी के लिए लेंथ क्या होती है, लेंथ कौन से मेंबर के लिए, सी से डी के लिए, सी से डी। सेम फॉर्मूला यूज होगा आपका, कहां से देखते हैं देखो, ये वाली पॉइंट से इस पॉइंट के लिए सी से डी के लिए, ओके। लेंथ सी से डी, अगेन आपका रूट ओवर होगा एक्स सी सी से डी। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए अगेन वाई बी माइनस वाई ए प्लस जेड बी माइनस जेड ए। ये वैल्यू हुई, आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू नोट करनी है, एक्स बी की वैल्यू एक्स ए बी की वैल्यू टू, एक्स से ए की वैल्यू फोर प्लस वाई बी और वाई ए लेते हैं, वाई से बी की वैल्यू माइनस टू और ए जीरो, माइनस टू जीरो, देन अगेन जेड बी और जेड ए जीरो से थ्री। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका लेंथ जो है मेंबर कम से कम निकालते हैं सी से, सॉरी ए से सी के लिए लेंथ
4.123 मीटर। तो आई होप सो आप लोग को लेंथ जो है कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी मेंबर का वो आ गया है। ठीक है, अब लेंथ निकालनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइंट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लेंथ आ गया सारे मेंबर का, फर्स्ट आया था 4 मीटर, सेकेंड आया था 4.12 मीटर, और थर्ड आया था 4.123 मीटर। तो ये आपका लेंथ।